नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, मैं हूं आपके साथ महेश जैन। आज बात करते हैं राजस्थान के पगारिया थाने के अंतर्गत गंगलिया खेड़ी में एक 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले की। तो मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आज नीमच में बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी के सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले वेशी दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी के सदस्यों ने मांग की कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपी को शीघ्र सजा दिलवाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलवाई जाए। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में गांगलिया खेड़ी गाँव में मेघवाल समाज की 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक ठाकुर समाज के व्यक्ति ने जो बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, ये बड़ा निंदनीय काम कार्य उसने किया है। इसी संबंध में हमने राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली को राष्ट्रपति महोदय को जो आज यहाँ ज्ञापन दिया है और इसमें मांग की गई है कि दरिंदे को फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए और तुरंत उसको फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज मांग की है और राष्ट्रपति महोदय को जिला इकाई द्वारा ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान के अंतर्गत गंगलिया खेड़ी गाँव के अंदर मेघवाल समाज की 8 वर्षीय बालिका के साथ में एक सोंधिया समाज के व्यक्ति ने उसका रेप किया बच्ची का, और रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर दी और निर्ममता से हत्या करके उसको खेत में फेंक दिया। तो भीम आर्मी मांग करती है कि उस हत्यारे को, उस पापी को फास्ट ट्रैक के अंदर उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा चला करके उसे फांसी की सजा दी जाए। उसी को मांग को लेकर के हम यहाँ पे जिलाधीश महोदय के पास में राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।